आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ हानि, लाभ हानि पढ़ेंगे, वो भी बिल्कुल सिंपल ट्रिक से, जो कि आपकी बिल्कुल देसी ट्रिक है। एक चीज़ याद रख लीजिए, पूरा लेसन उसी ट्रिक से हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, एक ही चीज़ याद रखिए, पूरा लेसन इसी से हो जाएगा। एक चीज़ क्या याद रखेंगे, याद ये रखेंगे कि कोई भी इंसान कुछ पहले खरीदता है तब उसे बेचता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जैसे लोग जो दुकान रखे हुए हैं वो क्या करते हैं, पहले कोई चीज़ खरीदते हैं तब जाके उसे बेचते हैं, बीच में मुनाफा कमाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले खरीदो ठीक है, तब बेचो, यही ट्रिक है। क्या है, पहले खरीदो तब बेचो, इतना तो याद रहेगा आपको। बिल्कुल जी, इसी पर पूरी ट्रिक है। क्या, पहले खरीदो तब बेचो, यानी कि पहले कोई चीज़ खरीदी जाती है फिर उसके बाद बेची जाती है। ये तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हो। अगर आप ये बात जानते हो तो पूरा लेसन ही आपको बिल्कुल इजी लगेगा, ठीक है। तो पहले खरीदो, और खरीदने में पहले रुपया दिया जाता है फिर वस्तु ली जाती है, पहले रुपया दो और फिर वस्तु लो। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि जब कोई चीज़ खरीदोगे तो पहले रुपया दो तब वस्तु देगा वो, और फिर तुम उसे खरीद के लाओ, घर लाओ तब बेचोगे। तो पहले रुपया ले लेना तब उसके बाद वस्तु देना। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो है कोई उधार नहीं करेगा, ठीक है। तो यानी कि पहले रुपया लो तब वस्तु दो, फिर रुपया लो फिर वस्तु दो, यानी कि पहले रुपया ले लो तो वस्तु दो, उधार नहीं करना है। इतनी चीज़ आपको सीख लेनी, क्या, खरीदो और फिर बेचो। खरीदने में पहले रुपया दो फिर वस्तु लो, और बेचने में भी पहले रुपया लो फिर वस्तु लो। अगर इतनी चीज़ आप याद कर लेते हैं तो पूरा लेसन आपका बिल्कुल 100% गारंटी के साथ हो जाना है। देखिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए, रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कल में खरीदता है और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है, तो रमण का प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। ये चीज़ इसमें पूछी गई है, ठीक है ना, ये चीज़ पूछी गई। तो रमण ने खरीदा, तो खरीदने वाला भाव कहाँ रहेगा, यहाँ खरीदो के नीचे रहेगा, पहले रुपया फिर वस्तु। क्या लिखना है, 25 रुपये में 20 वस्तुएं, ठीक है, 25 रुपये में 20 वस्तुएं, ठीक है, और फिर उन्हें 18 रुपये में 15 की वस्तुएं, 18 रुपये में 15 के भाव से बेच देता है। ऐसे आपको सेट कर देना है। सेट करने के बाद बीच वालों का गुणनफल और किनारे वालों का गुणनफल, बीच वालों का गुणनफल, किनारे वालों का गुणनफल, ठीक है ना। तो बीच वालों का गुणनफल हो जाएगा 18 दूनी 36 और 15 25, 25 दहम्मा 250 और 25 पंजे 75, ठीक है, 5 आ गया, ये 12 का 2 325, ठीक है, तो ये आ गया आपका 325, 25 दहम्मा 250, 25 पंजे 125 होता है, 125। तो 125 जब इसमें जोड़ेंगे 5 7 तो 3, 375 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस 375, ठीक है, क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल और किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल 375, और जो किनारे बैठेगा वही नीचे गिर जाएगा। हमेशा यही होता, पूरी मैथ में यही होगा, जो किनारे बैठेगा वही नीचे आएगा। याद रखिएगा कि जैसे एक बेंच पड़ी हुई है उस पर 4 5 लोग बैठे हुए हैं, तो कौन नीचे गिरेगा, जो इधर किनारे बैठा होगा, इधर से भरना शुरू हुआ और जो किनारे आएगा वही नीचे गिर जाता है, ठीक है। जैसे बेंच पड़ी है और उसको ढकेलते जा रहे हैं, तो अगला जो लास्ट वाला होगा वो नीचे चला जाएगा। इंटू में 100, बस यही आंसर हो गया, बस यही आंसर हो गया आपका, यही आंसर हो गया बस, ठीक है। क्या करेंगे, घटा दिए, माइनस का 75 आ गया और इतना आ गया, गुड़े में इतना हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 दिन 30, 15 5 75 हो गया, 25 चौका 100, माइनस का 4 आ गया। माइनस का आ गया का मतलब है, ठीक है, माइनस का आ गया का मतलब है कि आपका जो आया है वो हानि आई है, ठीक है। माइनस का आ गया का मतलब है कि जो आपका आया है वो हानि आई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग लगाएंगे। तो ये चीज़ आप जो है याद रखिएगा, क्या, कि पहले खरीदो ठीक है तब बेचो, ठीक है, तब बेचो और रुपया दो वस्तु लो, रुपया दो वस्तु लो। पूरे लेसन में 15 16 टाइप के सवाल हैं, 16 टाइप के सवाल
सब के सब इसी फॉर्मूले से लगेंगे भैया, सब के सब, एक भी फॉर्मूला आप बाहर से नहीं लाएंगे, सब के सब इसी फॉर्मूले पे लगेंगे। अगला देखिए, अगला दे रखा है कि तीन रुपया में सात संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा किस दर पे बेचा जाए कि 33% का लाभ हो जी। ठीक है, ये लो, कह रहा है 3 रुपया में सात, ठीक है, 3 रुपया में सात संतरे खरीदे गए, और फिर जो है प्रति सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा का मतलब 100 सैकड़ा, ठीक है, 100 सैकड़ा किस दर पे बेचे जाएं तो जो है 33% का लाभ होता है जी। यहाँ पे जो रुपया दे रखा, रुपया निकालना है, क्योंकि नीचे ऑप्शन भी देखिए सब रुपया रुपया है, ठीक है, यानी कि रुपया निकालना है। तो प्रति सैकड़ा यानी कि 100 जो है किस लाभ पे बेचे जाए कि लाभ उसका इतना हो जाए, तो लाभ कितना हो जाए 33%, तो 33 यहाँ पे लाभ दे रखा है। फिर क्या करेंगे, बीच वालों का गुणनफल, इनका गुणनफल, फिर किनारे वालों का गुणनफल, -300 हो जाएगा, और बटे में 300 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, तो 100 100 तो कट गया, ये 3 इधर चला जाएगा, 33 99 हो गया, बराबर 7x-300, ये इधर आ जाएगा, 399 बराबर 7x हो जाएगा, 7 5 35, 7 7 49, 57 रुपया आपका आ गया। कितना आ गया, 57 रुपया आ गया, ठीक है, 57 रुपया आ गया। तो आपकी ट्रिक जो है इसमें भी लग गई। अब इसी सवाल को दूसरे मेथड से करते हैं, क्योंकि दोनों मेथड या तीनों मेथड, जितना मेथड आपको बताएंगे सब आना जरूरी है, ठीक है। अब इसी को दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये कहता है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100+ लाभ बटे 100, ठीक है, 100+ लाभ बटे 100, ये तो फॉर्मूला है, 6th में पढ़े, 7th में पढ़े, 8th में पढ़े, ठीक है, यही फॉर्मूला है। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, क्रय मूल्य पे लाभ होता है तो प्लस हानि होती है तो माइनस हो जाता है, बिल्कुल पढ़े हो। इसमें भी कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें भी देखिए विक्रय मूल्य की जगह क्या रख देंगे, रुपया लो वस्तु लो, पहले रुपया तब वस्तु, ठीक है, पहले रुपया दो तब वस्तु लो, पहले रुपया दो तब वस्तु लो, ऐसे नहीं, और क्रय मूल्य की जगह भी क्या रख देना है, रुपया बटे वस्तु, ठीक है, क्या रख देना, रुपया बटे वस्तु। तो पहले बेचने वाला रख दो, बेच कितने में रहे, रुपया कह रहे हैं एक्स मान लो, और वस्तु है कितनी है 100 कह रहा है, बेचने में कह रहा है एक्स किस दर पे बेचे कि 100 प्रति सैकड़ा का 33% का लाभ हो, तो यानी कि 100 वस्तुएं हैं एक्स रुपए की बेचे, बराबर रुपया कितना है, ये वाला रुपया है आपका 3 रुपया में 7 की दर से खरीदा था, ठीक है, 3 रुपया में 7 की दर से खरीदा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे 33 दे रखा, 33 ये 133 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, समझ में आया, क्या आया कि रुपया दो वस्तु लो, पहले रुपया हो जाएगा एक्स रुपए में, 100 बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, और क्रय क्या है 3 ये, ठीक है, और ये आपका इतना हो गया, एक्स का मान निकालना है। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 91 7, 7 9 63, 19 57, 57 आपका आसानी से आ गया। पूरे लेसन में भैया यही ट्रिक लगाएंगे, दूसरी ट्रिक नहीं लगाएंगे, पूरा लेसन आपका इस ट्रिक को याद कर लीजिए, पूरा लेसन होगा आपका, ठीक है ना, पूरा लेसन इसी से लगाएंगे, ठीक है ना। अगला है, कह रहा है कि 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए तो कितना प्रतिशत या लाभ या हानि होगा, यानी कि इतने रुपये में 10 रुपये में 12 की दर से खरीद कर 12 रुपये में 10 की दर से बेची जाए, तो 10 रुपये में 12 की दर से खरीद रहे हैं और 12 रुपये में 10 की दर से बेच रहे हैं, ये चीज़। बीच वाली संख्याओं का गुणनफल 144 हो गया, किनारे वालों का गुणनफल माइनस का 100 हो गया, और जो ऊपर होगा वही नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, तो ये 100 100 कट गया, लाभ आ जाता है आपका, लाभ प्रतिशत आ जाता है, ठीक है, क्या 100 100 आपका कट गया, 144 में से 100 चला गया, 44% आ गया। बच्चों का खेल हो जाएगा ये लेसन, अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों का खेल हो जाएगा आपका ये लेसन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, ये बताना है आपको, 15 का लागत मूल्य। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में बड़ा कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि अगर आप 12 भी नीचे रखोगे तब भी आंसर मिलेगा और 15 भी नीचे रखोगे तब भी आंसर आपका कहीं ना कहीं मिल जाता है, इसमें नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर 25 और 30 25 20
33 से 1/3% आपको 100% मिल जाता है, ऐसा आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। लेकिन इस ट्रिक से आप बिल्कुल कंफ्यूजन आपका जो होगा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। देखिए कैसे, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है, यानी कि ये आपको, अब ये लाइन नहीं देखना, लागत मूल्य। लागत का मतलब क्या होता है? लागत, लागत का मतलब होता है किसी चीज में रुपया कितना लग रहा है। देखिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य, वही वस्तु, ये दोनों सेम सेम होते हैं, क्रय मूल्य और लागत मूल्य। यानी कि कोई वस्तु जैसे किसान उगा रहा है तो उसमें कितनी लागत आई। अब बिजनेसमैन होता है, ठीक, बिजनेसमैन होता है, वो वस्तु को खरीद के लाता है, बेच देता है, प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन किसान आदमी वो क्या करता है? लगायत लगाता है। क्या करता है? गेहूँ लाता है, बीज लाता है, फिर उसमें जुताई के लिए देता है, फिर उसमें डीजल भरवाता है, फिर उसको जो है कटवाता है, फिर उसमें जो है यूरिया डलवाता है, बहुत काम करता है। तो ये कुल मिला के उसकी लागत आ जाती है, लागत। इसीलिए ये और ये किसानों के लिए लागत मूल्य, और वही जो है ये क्रय मूल्य हो जाता है बिजनेसमैन के लिए। तो क्रय मूल्य लागत मूल्य एक के होता है, इसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि सीपी कहते हैं, ठीक है। सीपी भी यही चीज़ होती है, क्रय मूल्य लागत मूल्य सीपी यही चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सब एक ही मूल्य होता है। कौन सा मूल्य होता है? जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी कि प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाए, जिस पर वस्तु खरीदी जाए, ठीक है, खरीदी जाए, जिस पर वस्तु खरीदी जाए वो प्रारंभिक मूल्य होता है। जैसे कोई भी बिजनेसमैन है या दुकानदार है, वो वस्तु को खरीद के लाया तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। कोई किसान है, उसने अपने खेत में गेहूं उगाया है, तो वो पूरा का पूरा जितने उसकी लागत आई है उसका लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य आया है, ठीक है। अब उसको बेचेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, इसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा क्रय मूल्य क्या होता है। तो लागत मूल्य क्या कह रहा है? लागत मूल्य कह रहा है, लागत मूल्य 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है? लागत मूल्य, ठीक है, खरीद लागत मूल्य कितना है? 15 वस्तु लिखनी है। अच्छा, ये लाइन भूलिएगा नहीं, ये अभी भुलाएंगे, लेकिन अभी ना भूलिए। 15 वस्तुओं का, ठीक है, क्या करना है? 15 वस्तुओं का जो है 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो विक्रय मूल्य के बराबर है 12 वस्तुएं, और ये कितना है? ये एक्स एक्स मान लेते हैं, ये क्योंकि कह रहा दोनों बराबर है। आप ही सोचिए, दोनों कह रहा बराबर है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर तो कह रहा है। तो हम अपना पहले वाला करते हैं, क्या ये करते हैं 15x माइनस में ये करते हैं 12x, बटे में 12 नीचे चला जाएगा, x इंटू में 100 हो जाएगा। 15 में से 12 गए 3x आ गया, और बटे में 12x हो गया, इंटू में 100 हो गया, x कट गया, 3 × 12 हो गया, 4 से 25% आ गया। अब देखिए, x x जब कट ही जा रहा है, x x कट ही जा रहा है, तो हम क्यों रखें? हम क्यों रखें? हम रखबे नहीं करेंगे, हमारा काम छोटा हो जाएगा, तो अब हम इसको नहीं लगाएंगे। क्या हम जानते हैं कि x x तो कट ही जाता है, x x बाबू कट जाता है, तो नहीं रखेंगे। तो क्या रखेंगे? डायरेक्ट इसको रखेंगे, क्या? 15 - 12 बटे में 12 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा, 3/12 इंटू में 100, और ये 4 से आ गया 25, ये चीज आ गई। केवल हमने x नहीं लिखा, छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अभी x नहीं लिखा, अब इसको और छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और छोटा। क्या हम जानते हैं कि ऊपर अंतर होता है हमेशा? अंतर यानी कि 15 में से, ठीक है, खरीदने वाले में से, इसमें से ये चीज हमेशा घटती है, तो घटा दीजिए। 15 में से 12 गए तो 3 बज गया, 15 में से 12 गए 3 बज गया, नीचे यही वाली संख्या 12 इंटू में 100, ठीक है, बटे में 4 से 25, खटाक से आ गया। और इस फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। भूलते तब हो क्योंकि एक लेसन में 50 ट्रिकें रटते हो, एक भी ट्रिक ना रटा करो, केवल केवल एक ट्रिक पे पूरा लेसन सॉल्व किया करो, ठीक है, तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे बच्चा, कभी नहीं। तो ये चीज़ हमें आ गई, ठीक है, ये चीज़ हमें आ गई। क्या करते हैं कि पहले जो है ये मूल्य अंतर बटे इतना वाला, ठीक है। एक और सवाल लगाते हैं, देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है कि, अगला सवाल ये कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य, नहीं, अगला ये कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये कह रहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कह रहा है
10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए इसमें जो है विक्रय मूल्य 10 वस्तुओं का पहले दे रखा है, तो बेचो वाली, विक्रय मूल्य का मतलब क्या, बेचना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, ठीक है, विक्रय करना, विक्रय का मतलब बेचना, बेचना यानी कि जो है जो वस्तु जो है बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे ही विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस वस्तु पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य, या इंग्लिश में इसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, सेलिंग, सेल कर देना, बेचना वाला प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कहते हैं, या एसपी कहते हैं इसे, ठीक है, एसपी कहते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाता है, ठीक है, तो ये प्राइस हो जाता है। तो बेचने वाला प्राइस इसमें पहले दे रखा है, कितना, बेचने वाला भैया प्राइस पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, दे ये रखा है कि 10 वस्तुएं विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे अब तक 10 पहले आ जाएगा, क्योंकि आपको बेचने वाला क्या रखना है, पहले रख देना है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है, 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं हमेशा, ठीक है, इसमें से इसको घटा देते हैं, ठीक है, तब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 11 वस्तुएं हो गई, ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, ये हो गया, तो इसमें से 11 एक्स में से इतना आप घटा दीजिए, एक्स नहीं लिखना है ना, एक्स नहीं लिखना है, 10 घटा देंगे बटे में 10 इंटू में 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 10% आज आपका आ जाएगा। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको माइनस मिल जाए, ठीक है ना, जिसमें आपको माइनस मिल जाए, लागत मूल, लागत मूल, लागत मूल्य, लागत विक्रय, हाँ ये, तो अगला क्वेश्चन ये करते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करते हैं, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पहले दे रखा है, तो 16 वस्तुएं यहाँ पे आ जाएंगी, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर, 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर वही चीज़ माइनस प्लस में आएगा, 16 में से 12, 20 में से 16 गए तो 4 बच गया, और नीचे 4 इंटू में 100 हो जाएगा, और 4 25% आ गया, ठीक है, तो ये भी भैया सवाल वही से था, ठीक है, कोई अगर जो है सवाल मिलेगा तो अगर माइनस में आ गया, ये माइनस वाली संख्या बड़ी आ गई और माइनस में आ गया, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसका जो है आंसर आपका माइनस में आ जाएगा, यानी कि जो है फिर माइनस में करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपके इतने सवाल हो गए, ठीक है ना, तो आपके इतने सवाल हो गए, जब इतने सवाल हो गए तो और एक दो सवाल कर लेते हैं। कह रहा है अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार 10 रुपया प्रति 7 पेन की दर से खरीद कर लाया और उन्हें 40% के लाभ पर बेचा, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, ये बात आपसे पूछी गई है, ठीक है, ये बात आपकी पूछी गई है, तो क्रय विक्रय वाला ये भी लगा सकते हो और क्रय विक्रय वाला अपना लगा सकते हो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है, ये हो जाता है, तो ये जब हो जाता है विक्रय मूल्य, यहाँ पे रुपया दो वस्तु लो, रुपया दो वस्तु लो, ये आपका सिंपली हो जाता है, रुपया दो वस्तु लो, रुपया दो वस्तु लो, तो 10 रुपये में 7 की पेन से खरीदा, ठीक है, खरीदने वाला दाम रख दो, खरीदने वाला क्रय मूल्य रख दो, 10 रुपया में 7 की दर से खरीदा, ठीक है, 10 रुपया में 7 की दर से खरीदा और उन्हें 40% के लाभ पर बेचा, तो यहाँ पे हो जाएगा 140 हो गया बटे में 100 हो जाएगा, तो फिर कह रहा है कि किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले, तो 10 रुपया में कितने पेन मिले, तो 10 रुपया में मान लिया एक्स वस्तुएं मिली, ये आपका क्वेश्चन बन गया, एक्स का मान निकाल लेना है, तो 0 0 कट गया, 7 2 14 हो गया, 0 0 कट गया, 2 5 10 5 रुपया हो गया, सिंपल आ गया आपका, ठीक है ना, आ गया आपका, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, पहले रुपया तब वस्तु, पहले पैसा, आजकल ऐसे दुनिया में पहले पैसे चल रहा है, आगे पैसा आगे बहुत चल रहा है, ठीक है, तो आगे पैसे रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, ठीक है, इसी पे लगाते हैं, एक सेब, ठीक है, एक से क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, बेचने वाला 20 सेब थे 100 रुपये में बेचे, बराबर क्रय कितने में किया था,
क्रय किया था जो है उसने जो है 100 रुपये में कुल कितने खरीदे थे, तो 100 रुपया में मान लो एक्स खरीदे थे और उसका लाभ कुछ दे रखा है 20% का लाभ, तो 120/100 हो जाएगा। देखिए 100 100 तो कट गया, 20 पंजे 100 हो गया। अब 5 से इसको काट देंगे 24, 24 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 24 आपका आंसर आ जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये गुणा भाग करने में काटने में दिक्कत होती है तो आप हमारे गणित की नींव वाले या फंडामेंटल वाले या गणित सीखने वाले वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको ये काटना पीटना बड़े आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके के ये सारे सवाल हो गए। तो आज ये कुछ टाइप के सवाल थे, एक ही टाइप का सवाल है, मैं तो एक ही टाइप के सवाल में पूरी पूरा लेसन ख़त्म करूँगा, इसी फॉर्मूले इन्हीं दो फॉर्मूलों से मैं पूरा लेसन ख़त्म करूँगा, पूरा लेसन, ठीक है। ठीक है, ये ना कहिएगा कि पूरा एक ही कैसे ख़त्म हो गया, ठीक है, हम बस ख़त्म करेंगे 2 3 4 वीडियो में, सारे कम से कम 4 5 5 वीडियो देंगे और 5 वीडियो में आपका पूरा लेसन ख़त्म होगा एक ही ट्रिक से, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।